अस्सलामुअलैकुम, मैं जुलेखा अरफात जुलेखास किचन से। तो आज मैं बना रही हूँ वेज दाल, बहुत ही मजेदार तड़का दाल का ये, लेकिन पांच दालों को मिक्स करके, पांच दाल, इसे मैं मिक्स्ड दाल भी कहती हूँ। तो चलिए बनाते हैं आज की रेसिपी क्विकली विदाउट टाइम वेस्ट किए, साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से बनाते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दाल आज की। चलिए तो चलिए, ये पांच टाइप की दालें हैं। ये 1/4 कप मसूर की दाल है, ये है 1/4 कप चना दाल, ये है 1/4 कप काली माश की दाल। अच्छा, माश की दाल जो है ये आप छिलटे वाली, साबुत आती है वो वाली मत लीजिएगा, टूटी हुई आती है वो वाली है, ये स्प्लिट वाली कहते हैं जिसे। ये 1/4 कप मूंग की दाल, और ये लास्ट वाली है 1/4 कप तुअर दाल, आप कोई लोग इसे अरहर की दाल भी कहते हैं। ये पांचों दालों को कुकर के अंदर डाल दीजिए, 2-3 पानी से अच्छे से धो लीजिए, फिर इसको एक अच्छे साफ पानी के अंदर आधे या एक घंटे के लिए भिगाने रख दीजिए। मैं तकरीबन एक घंटे के लिए भिगाने रख रही हूँ, ये देखिए। चलिए, एक घंटा हो चुका है, मैंने नितार लिया पानी को, और अब इसमें मैं फ्रेश पीने का पानी जो आता है वो डाल रही हूँ। तो 4 कप मैं डाल रही हूँ। आधा छोटे चक्का चम्मच हल्दी पाउडर डाल दीजिए, और कुकर का ढक्कन लगाकर 2-3 सीटी फास्ट आंच पर खिला लीजिए, और फिर बाकी समझिए ना 10-15 मिनट स्लो आंच पर पकने दीजिए। जब 15 मिनट हो जाए तो चूल्हे को कर दीजिए बंद। जब अच्छा ठंडा कम्प्लीटली हो जाए तो कुकर को खोल लीजिए और चेक कर लीजिए, देखिए परफेक्टली दाल गल चुकी है। अच्छा, मैं इसे झेरती नहीं हूँ, आप चाहें तो झेरनी से झेर लीजिए और साइड पर रख दीजिए। एक पतीली या कढ़ाई के अंदर 6-7 टेबलस्पून असली घी के डाल दीजिए, आप चाहें तो तेल भी डाल सकते हैं, लेकिन असली घी डालेंगे ना तो स्वादिष्ट बनेगी हमारी ये वाली दाल। चलिए, अब इसके अंदर मैं डाल देती हूँ 1 तेजपत्ता और 1 छोटा चाय चम्मच साबुत जीरा, और 1 छोटी सी लाल मिर्ची को साबुत वाली, उसको मैंने टुकड़ा करके डाला है, और इसे तड़तड़ा जाने दीजिए घी के अंदर। जब तड़तड़ा जाए तो 1 मीडियम साइज की छुंदा बारीक कटी हुई प्याज डाल दीजिए, और उसे बार बार चलाते हुए फास्ट आंच पर पका लीजिए। आपने तब तक पकाना है जब तक लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती प्याज, बार बार चलाते रहिएगा। जब प्याज लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए तो यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज के टमाटरों के छील निकाल लिए और काट कर मैंने इसमें डाल दिया है। इसे चलाते रहिए तकरीबन 2-3 मिनट तक, इसे फास्ट आंच पर भून लीजिए। जब 2-3 मिनट हो जाए तो चूल्हा कर दीजिए स्लो आंच, और अब इनमें हम मसाले डाल देते हैं। तो अब इसमें मैं डाल देती हूँ 1/4 छोटा चाय चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, आधा छोटा चाय चम्मच डाला वैसे मैंने यहाँ पर, और आधा छोटा चाय चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चाय का चम्मच लाल मिर्ची पाउडर कश्मीरी वाला है, और आधा छोटा चाय का चम्मच भुना और पिसा हुआ जीरा पाउडर, और 1/4 छोटा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर। एक बार चला लीजिए, अब चूल्हे को कर दीजिए मीडियम आंच, और अब हमें भुनना है ये मसाले के साथ टमाटरों को। तब तक भुनना है जब तक टमाटर नरम नहीं हो जाते, नम नहीं हो जाते, मशी नहीं हो जाते, और एकदम थोड़ा बहुत घुलने टाइप नहीं हो जाते तब तक। अब इसमें मैं तब तक 1 हरी मिर्ची साइडवेज काट कर डाल रही हूँ, आप चाहें तो 2 या 3 भी डाल सकते हैं, लेकिन फ्लेवर के लिए ज़रूर डालिएगा, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। चलिए, जब ये देखिए अच्छे मशी हो गए ना टमाटर, सॉफ्ट हो गए, मशी हो गए, देख सकते हैं आप। तो अब यहाँ पर ये जो दाल आपने घोट के रखी है या फिर साइड पर रखी है, वो सारी दाल इसमें डाल दीजिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर। एक बार मिक्स कर लीजिए दाल को, चूल्हा मीडियम पर ही है, और इसे आप चलाने के बाद आप देख लीजिए आपको कितनी गाढ़ी चाहिए। अब आपको समझो कि ये इतना परफेक्ट लग रहा है तो पानी मत डालिए। मैं क्या कर रही हूँ, 1 कप जितना कुकर में डाला पानी, और इसे चलाकर मैं ये दाल के अंदर डाल देती हूँ। अब ये टोटली आपके ऊपर है, आप चाहें तो कम पानी डालें, आप चाहें तो 1 कप से ज़्यादा भी डाल सकते हैं या 1 कप से कम भी डाल सकते हैं। एक बार चला लिया मैंने, और नमक डाल दीजिए, एडजस्ट कर लीजिए, उसको भी डालकर चला लीजिए, और जब उबाल आ जाए हमारी ये दाल के अंदर, तो इसे स्लो आंच करके ढक कर तकरीबन 10-12 मिनट तक सिमर होने के लिए साइड पर रख दीजिए चूल्हे पर। चलिए, 10-12 मिनट के बाद मैंने चूल्हा कर दिया था बंद, और अभी सर्विंग का टाइम है ना, तो फिर से मैंने चूल्हा चालू कर दिया, और इसे थोड़ा सा मैं गर्म होने दे देती हूँ। अच्छा, आप चाहें तो चूल्हा जब बंद करते हैं प्रोसीजर वहीं से ही शुरू कीजिएगा, बट मैं यहाँ थोड़ी देर के बाद जब सर्विंग कर रही हूँ तब फिर से गर्म कर रही हूँ। अब यहाँ खूब सारी बारीक कटी हुई कोथमीर डाल दीजिए, यानी कि हरा धनिया, एक बार चला लीजिए। अब यहाँ ये है कि ये हल्का अभी उबाल आ जाता है ना, तो मैं यहाँ
प्याले में निकाल लेती हूँ और उसके ऊपर बघार करूंगी। अब यहाँ दो तरीके हैं, आप चाहे तो मेरी तरह प्याले में निकाल लें और ये जो प्याले वाली दाल है इसके ऊपर बघार करें, या फिर आपकी जो पतीली के अंदर पूरी दाल है वो सारे के ऊपर बघार करें, टोटली आपके ऊपर है। ये दाल का बॉल भर जाए तो इसे साइड पर रख दीजिए। एक वाटी को फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए, इसमें 2 टेबलस्पून असली घी के डालिए, बारीक कटा हुआ लहसुन तकरीबन 5-6 कली डाल दीजिए और आधी सूखी लाल मिर्च डाल दीजिए और इसे बार बार चलाते हुए फास्ट आंच पर फ्राई कीजिए। तब तक फ्राई कीजिए जब तक ये जो लहसुन है ना लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। जब लहसुन आप देखें कि लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाता है तो चूल्हे को कर दीजिए बंद और इसमें डाल दीजिए जीरा, समझिए आधा छोटे चाय चम्मच जीरा डाल दें और उसे एक बार चला लें और क्विकली उसके अंदर अब डाल दीजिए 1/4 छोटे चाय चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर। जी हाँ, क्विकली, लेकिन ये बंद करने के बाद ही करना है। इसमें क्विकली लाल मिर्ची का पाउडर डाल दीजिए 1/4 छोटे चाय चम्मच और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए और ये दाल के ऊपर डाल दीजिए इस तरीके से। अब थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालें और ये बन गई हमारी बढ़िया सी गर्मा गर्म रेस्टोरेंट स्टाइल पंचरत्ना दाल कहिए, या फिर आप कहें पंचमेल दाल कह सकते हैं, मिक्स्ड दाल कह सकते हैं, पांच दाल मिक्स कह सकते हैं, जो आपने कहना है कहिए, लेकिन टेस्ट में ज़बरदस्त है, उंगलियां चाटते रह जाओगे, इतनी बढ़िया है। अच्छा, आप चाहें तो लास्ट वाला जैसे मैंने कहा बघार जो है आप पूरी दाल पर कर सकते हैं या फिर जो बाउल में सर्व कर रहे हैं उसमें कर दीजिए। आप चाहें तो ये लास्ट वाला बघार टोटली स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं एडवाइस करूंगी कि ज़रूर डालिएगा लास्ट वाला बघार, बहुत ही मज़ेदार लगता है खाने में। तो है ना मजेदार रेसिपी आज की। अगर आप ये वाली रेसिपी बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो जल्द से जल्दी लाइक कर दीजिए ये वाले वीडियो को, और उससे ज्यादा अच्छा लगा तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ये वाले वीडियो के लिंक जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा। फिर से हाजिर होंगी एक नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। अंसल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।